हेलो दोस्तों, आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लाए हैं आपको नई दिल्ली के एक ऐसे टॉम में जो मुगल साम्राज्य का आखिरी टॉम था, जो मुगल साम्राज्य जब अपनी लास्ट स्टेज पे था, बिल्कुल जो लास्ट के उनके राजा थे, जब बिल्कुल ही वो ख़त्म होने वाला था, तो उसमें मुगल काल में जो लास्ट टॉम बना है वो ये टॉम है और इसका नाम है सफदरजंग टॉम। ये नई दिल्ली में है और नई दिल्ली के भी काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। इस जगह का नाम है ल्यूटन्स दिल्ली। जैसे सब जानते हैं कि ल्यूटन्स दिल्ली दिल्ली का भी हार्ट है, सबसे प्राइम लोकेशन है, तो ये जगह दिल्ली में ल्यूटन्स दिल्ली में है। और यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। वो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ही दूर होगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं होगा। वॉकिंग करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ सफदरजंग टॉम में आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको टिकट जो लेनी होगी वो सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है अभी, क्योंकि आपको पता है अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो अभी काउंटर्स बंद है। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं, जो उसकी ऑनलाइन टिकट की जो साइट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, वो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर, और यहाँ पर भी इन्होंने एक बारकोड बनाया हुआ है, उसको स्कैन कर आप यहाँ पर भी ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं। तो अब हम सफदरजंग टॉम के मेन उसमें आ गए हैं, जो यहाँ की मेन बिल्डिंग है, तो उधर जाने के लिए ये रास्ता है, ये जीने से। आइए चलिए। ये जो सफदरजंग टॉम है, ये जिनके लिए बनवाया गया था वो नवाब थे अवध के, जिनका नाम सफदरजंग था। तो जो ये थे, ये मुग़ल काल के दौरान, तो ये इसके मुग़ल सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। जब मुग़ल काल लास्ट स्टेज में अपनी पतन पे था, तो जो मुग़ल जो राजा थे वो ज़्यादातर शराब पीना, अय्याशी करना, इसी में ही रहते थे मग्न। तो जो सफदरजंग थे वो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जो सब कुछ संभालते थे। तो उस टाइम कहा जाता है कि जो मुग़ल सल्तनत की जो मेन बागडोर थी वो सफदरजंग के हाथ में ही थी, इनके हाथ में, तो यही संभालते थे उसको। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुग़ल सल्तनत के जो राजा थे उस टाइम के, वो इनसे तंग आकर, और उन्होंने देखा कि इन्होंने सारी पावर अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उन्होंने मराठाओं से संधि करी और मराठाओं को बुलाया और उनको कहा कि भाई दिल्ली से सफदरजंग को खदेड़ें। तो मराठा आए और मराठाओं ने सफदरजंग को दिल्ली से खदेड़ा और फिर वो अवध अपना वापस चले गए। उसके बाद दोबारा मुग़ल सल्तनत के हाथ में दिल्ली की जो सल्तनत है वो काबिज हुई, उसका बेसिकली उनके हाथ में पावर दोबारा से आई। तो जो सफदरजंग थे वो नवाब थे अवध के। तो जब सफदरजंग को के साथ ऐसा करा गया, उनको यहाँ से भगा दिया गया, तो उसके बाद ये होगी 1751-52 की बात है, तो 18वीं शताब्दी में हुआ था सब कुछ। तो उस टाइम जब ये हुआ तो सफदरजंग को बहुत सदमा पहुंचा, तो उसके एक दो साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनके बेटे थे शुजाउद्दौला, तो वो आए और उन्होंने गुजारिश करी जो मुग़ल सल्तनत के राजा थे कि भाई आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए और आप मेरे पिता की यादगार में एक मकबरा बनवाइए। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, तो उनकी रिक्वेस्ट मानकर तब मुग़ल सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने इस टूम को बनवाने का निर्णय लिया। और जो ये टूम है ये बना था 1753 में बना था और 54 में बनके कंप्लीट हो गया था। तो जो ये टूम है ये मुग़ल सल्तनत की जो ये सरकार का लास्ट टूम है उनका, इसके बाद उन्होंने कोई टूम नहीं बनवाया क्योंकि उसके बाद कुछ सालों के बाद तो मुग़ल सल्तनत ख़त्म ही हो गई थी। जो ये सफदरजंग का टूम है, जो उसकी डिज़ाइनिंग है बेसिकली वो हुमायूं टॉम से कॉपी करी गई है। जो हुमायूं टॉम का डिज़ाइनिंग है बेसिकली इसका डिज़ाइनिंग भी सेम है, लेकिन इसमें ताजमहल के अंदर चार मीनारें हैं चारों तरफ, क्योंकि ताजमहल का डिज़ाइन भी हुमायूं टॉम से ही लिया गया है, क्योंकि हुमायूं टॉम सबसे पहले बना था, बाद में ताजमहल बना है और ये तो लास्ट में ही बना है मुग़ल सल्तनत में। तो जो इसकी जो मेन प्राइमरी डिज़ाइनिंग है वो हुमायूं टॉम से ली गई है और इसमें ताजमहल की तर्ज पर चारों तरफ चार मीनारें भी हैं, तो इसमें ये भी चीज़ एक एडिशन करी है। वैसे जो ये सफदरजंग टॉम है कि जितना हुमायूं टॉम भव्य है या ताजमहल भव्य है, बड़े हैं वो साइज़ में काफ़ी, उतना बड़ा ये साइज़ में नहीं है, ये उससे छोटा ही है, लेकिन जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो सबसे ज़्यादा जो सिमिलर है वो हुमायूं टॉम से है, क्योंकि जो हुमायूं टॉम है उसमें भी क्या है,
जैसे आप हुमायूं टॉम जो बीच में टॉम है और उसके चारों तरफ ऐसे गार्डन बने हुए हैं, तो इधर जो गार्डन है इनको चार बाग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इधर क्या है, चारों तरफ आपको फाउंटेन्स मिलेंगे। अभी तो वैसे इनमें पानी है नहीं, वैसे जब पानी होता है तो और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का, लेकिन जो चारों तरफ इसमें सिमेट्रिकल ऐसे चार, तो ये फाउंटेन्स हैं और ये जो गार्डन है ऐसे टोटल चार हैं, तो इसलिए इसका नाम चारबाग रखा गया है। तो जो ये डिज़ाइनिंग है ये बिल्कुल सेम हुमायूं टॉम में भी अगर आप जाएंगे तो उसमें भी सेम ही मिलेगी आपको। वैसे इसको कई लोग जैसे कहते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग ताजमहल से मिलती है, लेकिन ताजमहल से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ताजमहल बहुत विशाल है और उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें फिर वाइट मार्बल का यूज़ करा गया है। इधर मेजॉरिटी जो काम करा गया है वो रेड सैंडस्टोन से ही काम करा गया है, थोड़ा बहुत वाइट मार्बल का भी काम है लेकिन जो मेजॉरिटी काम है वो रेड सैंडस्टोन का ही है। लेकिन अगर आप इसके चारों तरफ देखेंगे जो बाग हैं ये काफ़ी खूबसूरत हैं दिखने में। देखिए जो ये बाग हैं जितने भी, क्योंकि ताजमहल में अगर आप जाएंगे तो आपको उधर फ्रंट में ही सिर्फ वो मिलेगा फाउंटेन और जो बना हुआ है गार्डन, लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको चारों तरफ बाग देखने को मिलेंगे और फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे। और जो ये सफदरजंग टॉम जो मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर खाली ये मॉन्यूमेंट ही नहीं है और ये चारबाग के अलावा यहाँ पर एक मस्जिद भी है। जैसे ही हम सफदरजंग टॉम में जो मेन एंट्रेंस से एंटर करते हैं तो राइट साइड में सबसे पहले मॉस्क आती है, जो उसी टाइम बनाई गई थी जिस टाइम ये मॉन्यूमेंट बना था, और फिर अंदर आके आपको ये सफदरजंग टॉम देखने को मिलेगा। तो वो रही ये मॉस्क, जो आपको ये मॉस्क दिख रही है, जो ये मॉस्क है ये बिल्कुल एंट्रेंस पे जैसे आप एंटर करेंगे तो राइट साइड में आपको सबसे पहले ये मॉस्क ही देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छा मॉन्यूमेंट है देखने के लिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं। मैं खुद इस सफदरजंग टॉम के सामने से बहुत बार निकल चुका हूँ लेकिन मैंने आज तक इसे कभी देखा नहीं था, आज मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो आके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका नाम इतना होता नहीं है और बाहर से हम उसके निकल जाते हैं, लेकिन जब उसको अंदर आके देखते हैं तभी पता लगता है कि वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं यही करूँगा, वर्थ विजिटिंग प्लेस है सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी और मॉन्यूमेंट में जाएंगे तो आपको काफ़ी रश देखने को मिलेगा, मुझे तो पर्सनली ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ पर ज़्यादा रश ना हो। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर से भी घूमने आए हैं तो सफदरजंग टॉम को विज़िट कर सकते हैं, बहुत प्राइम लोकेशन पर है। अब हम जो ये मसोलियन है, ये जो टॉम है सफदरजंग का, उसके मेन प्रांगण में आ गए हैं, जो मेन सेंटर पॉइंट है उसका। ये जो है जो दिख रही है आपको, ये सफदरजंग की जो कब्र है तो यहाँ दफन है। तो इसको जो कंस्ट्रक्ट करा था, वैसे करवाया तो जो मुगल सल्तनत के राजा थे उन्होंने करवाया था, शुजादुद्दौला के कहने पे, जो उनके बेटे थे उस टाइम अवध के नवाब तो यही थे, लेकिन मरने के बाद तो वही बन गए थे अवध के नवाब, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी इससे मुगल सल्तनत से, तो यहाँ बना था। और ये अब्दुल रहीम खान जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था इसको, जो उसका डिज़ाइनिंग और जो उसको बनाने में, इसको बनाने में मेनली रेड सैंडस्टोन का काम करा गया है इसमें बनाने में। और इसको जो बनाया गया था वो 1754 में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी बनके, जो ये मॉन्यूमेंट था। और जो ये टॉम है ये मुग़ल सल्तनत के जो कार्यकाल में बने जितने भी टॉम हैं उसमें सबसे लास्ट टॉम है, क्योंकि इस टॉम के कुछ सालों के बाद मुग़ल सल्तनत का पतन हो गया था, तो मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई थी, तो ये उसका लास्ट टॉम है। और अगर आप इस टॉम में आएंगे तो आपको इस टॉम के अंदर कई और बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी, जिसका नाम जंगली महल है, मोती महल है। तो पहले जो अवध के नवाब होते थे जब वो दिल्ली आते थे तो वो यहाँ पर जंगली महल और मोती महल में ही रुकते थे, शुजादुद्दौला वगैरह थे जो बाद में आते थे। तो अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब उनके अंदर अपने ऑफिस बना लिए, और ये जो मॉन्यूमेंट है इसको भी मेंटेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिन भी मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करता है उसकी मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से ही मॉन्यूमेंट को मेंटेन करा रहा है। इनफैक्ट जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था मैं इस मॉन्यूमेंट को उससे ऊपर ही कहूँगा, क्योंकि मुझे ये था कि भाई मैंने हुमायूं टॉम जैसे दिल्ली में देखा है तो वो बहुत ही विशाल और बहुत भव्य है, तो मुझे लगता था उसकी कंपैरिजन में जो सफदरजंग टॉम है ये उतना खास नहीं होगा। लेकिन सच मानिए
कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ, जब मैंने इसको देखा है कि ये भी काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करा है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके। जो सफदरजंग टूम्ब है, जो इसका मेन कॉम्प्लेक्स है, वो तो ये वाला है, लेकिन जब आप अंदर घुस जाएंगे तो आपको 1, 2, 3 और 4 चारों दिशाओं में ऐसे चार दरवाजे देखने को मिलेंगे, और आप किसी भी दरवाजे से निकलेंगे तो जो आपको बाहर का व्यू होगा बिल्कुल सेम होगा, सामने वो फाउंटेन बने होंगे और उसके दोनों तरफ में गार्डन होगा। तो ये इतने सिमेट्रिकल तरीके से बनाया हुआ है एग्जैक्टली कि चारों तरफ से आप किसी भी दिशा में निकल जाइए आपको एक ही नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसमें इसमें सामने फाउंटेन होगा और दोनों तरफ पार्क, जिनका नाम चारबाग के नाम से मशहूर है। और इसकी जो नक्काशी वगैरह है और काफ़ी जो ये ऊपर करी गई है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है देखने में। और अगर हम यहाँ पर साइड में घुसते हैं इधर, तो इधर ये भी चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे चार कमरे देखने को मिलेंगे, और इसमें भी कमाल की बात है, इसमें भी चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जो इसकी आर्किटेक्चुरल जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है इसे। जो सफदरजंग है उनके नाम से यहाँ दिल्ली में जस्ट इस सफदरजंग टॉम के एडजेसेंट ही एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम सफदरजंग एयरपोर्ट है, छोटा सा है वैसे, उससे कोई वैसे फ्लाइट्स नहीं उड़ती, छोटे ग्लाइडर और छोटे जो प्लेन होते हैं प्राइवेट जेट्स उनके लिए ही है वो। तो जो उस सफदरजंग एयरपोर्ट भी है इसके जस्ट एडजेसेंट ही है, और जो दिल्ली का एक काफ़ी मशहूर हॉस्पिटल है उसके बारे में तो मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, इनफैक्ट सफदरजंग टॉम के बारे में इतने लोग नहीं जानते होंगे जितने लोग सफदरजंग हॉस्पिटल के बारे में जानते होंगे। तो वो एम्स के ऑपोजिट ही है, वो भी इन्हीं के नाम पर ही है जो सफदरजंग थे, तो इनके नाम पर हॉस्पिटल भी है और एयरपोर्ट भी है, और ये टॉम तो इनके नाम पर बना ही है। तो काफ़ी मशहूर शख्सियत थे अपने टाइम की और काफ़ी नाम था इनका। तो उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है, और इसका ये जो मेन जो डिज़ाइनिंग की वो हुमायूं टॉम और ताजमहल से ली गई है, तो काफ़ी भव्य है अभी देखने में, है उनके मुकाबले थोड़ा छोटा लेकिन काफ़ी भव्य है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप यहाँ पे आइए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छी जगह है, सबसे बड़ी बात काफ़ी पीसफुल जगह है, ज़्यादा रश नहीं यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं आते, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आने का अपना सीन बनाइए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पर आने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको हमारे जो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलें। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।